नमस्कार दोस्तों दोस्तों बाल झड़ने की समस्या जिसको होती है उसको बेहद परेशान करती है और चिंता का विषय बन जाती है और डर लगा रहता है कि कहीं हम किसी दिन इन झड़ते बालों की वजह से गंजे ना हो जाएं। ये परेशानी खराब जीवन शैली, पोषक तत्वों की कमी और तनाव की वजह से देखने को मिलती है। ये समस्या पुरुषों में बेहद आम होती है। इसके साथ ही अब महिलाओं में भी यह परेशानी देखी जाने लगी है, जो एक शर्मिंदगी का कारण बनती है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा आप घर में मौजूद सामग्रियों से भी अपने गंजेपन की समस्या को रोक सकते हैं। आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप गंजेपन की परेशानी का इलाज कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहला नुस्खा देख लीजिए। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी 2 से 3 चम्मच अरंडी के तेल की। सबसे पहले अरंडी के तेल को गर्म कर लें। गर्म होने के बाद इसे अपनी जड़ों में लगाएं। अब इसे रात भर के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। इस तेल को हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर लगाएं। अरंडी के तेल से मसाज करने से आपके बालों की जड़ें उत्तेजित होंगी। इससे रक्त परिसंचरण जड़ों में बढ़ेगा, जिससे गंजेपन की परेशानी दूर होगी। ये जड़ों को स्वस्थ वसा की मदद से नमी देने में मदद करता है और डैंड्रफ जैसी समस्या से बचाता है। दूसरा है दोस्तों जैतून का तेल। इस सबसे पहले तेल को गर्म कर लें और फिर से अपनी जड़ों में लगाएं। 4 से 5 मिनट तक इस तेल से जड़ों में मसाज करें, फिर सुबह अपने बालों को धो लें। अगर आप बालों को जल्दी धोना चाहते हैं तो आप तेल को बालों में आधे घंटे तक लगा रहने दें। हफ्ते में इस तेल को 3 बार जरूर लगाएं। जैतून का तेल झड़ते बालों के हार्मोन्स को रोक देता है। इससे बालों का झड़ना दूर होता है और बालों का विकास होता है। जैतून का तेल जड़ को पोषण देता है और संक्रमण से दूर रखता है, जिससे गंजेपन की समस्या नहीं होती। आप अरंडी का तेल और जैतून का तेल अल्टरनेट डे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप प्याज का जूस अपने बालों के जड़ों और बालों में लगाइए। इसके लिए आवश्यकता होगी 1 छोटी प्याज की और 1 चम्मच शहद की। साथ में आप कॉटन भी ले लें। सबसे पहले प्याज को छीलकर मिक्सर में मिक्स कर लें, फिर उसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दें। अब रुई लें और उसमें डुबोकर अपनी जड़ों में लगाएं और 20 से 30 मिनट तक आप ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। अब अपनी जड़ों और बालों को शैम्पू से धो लें। दोस्तों अच्छा परिणाम पाने के लिए हफ्ते में इसका इस्तेमाल 2 बार अवश्य करें। प्याज बालों की जड़ों को फिर से मजबूत करने में मदद करती है और शहद के इस्तेमाल से झड़ते हुए बालों का इलाज होता है। गंजेपन के इस मिश्रण को लगाने से आपके बाल बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि प्याज वाले बालों को अच्छे से धो लें। दोस्तों इसके एक इस्तेमाल से ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेथी के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी 2 से 4 चम्मच मेथी के पाउडर। आप मेथी को ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना लें, और चाहिए होगा हमें पानी या फिर छाछ। छाछ यानी कि बटर मिल्क। पेस्ट तैयार करने के लिए मेथी पाउडर में पानी या छाछ मिलाएं। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद इसे अपनी जड़ों में लगाएं, फिर 1 घंटे के लिए इसे अपने बालों में ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें, फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लें। इस पेस्ट को हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर लगाएं। मेथी के पाउडर का पेस्ट बालों की झड़ने से रोकने के लिए बेहद लाभदायक है और बालों के रोम को फिर से बढ़ाने में मदद करता है। ये हार्मोन्स को संतुलित रखता है और बालों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और गंजेपन की समस्या खत्म होने लगती है। इसके साथ ही आपको दोस्तों हरी मेथी मिलती है तो उसका भी पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।